मौसम समाचार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देश भर के मौसम का हाल जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको बता दें, आसमान में फिर डेरा डालेंगे काले बादल। इन राज्यों में गरज और आंधी के साथ होगी भारी बारिश। इन संभागों में बारिश व आंधी। जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक RS शर्मा की माने तो एक राज्य में अभी तक पश्चिमी विक्षोभ का असर चल रहा है और जब तक यह खत्म होगा तब 24 घंटे के भीतर नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो जाएगा, जिसके चलते प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी हो सकती है, जबकि अधिकतर इलाकों में धूल भरी आंधी और तेज हवाएं चलेंगी। नए पश्चिमी विक्षोभ के चलते 27 से 29 मई तक जयपुर, भरतपुर, बीकानेर संभाग में कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना है और मौसम में फिर से बदलाव दिखाई देगा। उधर 26 मई को राजस्थान में मौसम शुष्क रहेगा, यानी इस दिन भी लू का असर नहीं रहेगा। उसके बाद 3 दिन तक बारिश और आंधी अंधड़ का दौर चलेगा। 28 और 29 को मौसम का मिजाज। मौसम केंद्र के अनुसार 28 और 29 मई को अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, झुंझुनू, टोंक, सवाई माधोपुर, बीकानेर, चुरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ मेघ गर्जन के साथ धूल भरी हवाएं और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना। उत्तर प्रदेश 32 जिलों में झमाझम बारिश हो सकती है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने 10 जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो अलग अलग जिलों में 40 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। इसके अलावा कई जिलों में गरज और चमक के साथ बारिश भी होगी, हालांकि गर्मी से अभी छुटकारा नहीं मिलने वाला है। इन 32 जिलों में हो सकती है बारिश। IMD के मुताबिक बुधवार को रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, जौनपुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, चित्रकूट, रायबरेली, अमेठी, बांदा, फतेहपुर, हमीरपुर और महोबा में बूंदाबांदी से हल्की बारिश के आसार है। देश के मौसम में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिलेगा। दरअसल IMD अलर्ट के मुताबिक 22 राज्यों में बारिश का दौर शुरू हो गया है। प्री मॉनसून पश्चिमी विक्षोभ के असर से कई राज्यों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं IMD ने आज से अधिक राज्यों में बारिश की आशंका जताई गई है। इसके साथ ही अब किसी भी क्षेत्र में हीट वेव की चेतावनी जारी नहीं की गई है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के कई जिलों में लगातार बारिश का दौर जारी है। आए दिन कई जिलों में गरज चमक के साथ ओलावृष्टि और बारिश देखने को मिल रही है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने 28 मई तक इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से लेकर लेह लद्दाख पर्वतीय राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। बुधवार 25 मई से IMD ने अगले 2 दिनों के लिए उत्तर पश्चिमी और पूर्वी भारत में बारिश का पूर्वानुमान लगाया है, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अलग अलग गरज चमक और बिजली के साथ तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश की भविष्यवाणी की गई है। मंगलवार से उत्तर पश्चिमी भारत में पश्चिमी विक्षोभ की तीव्रता भी कम होने वाली है। IMD ने अगले 48 घंटों के दौरान दक्षिण पश्चिम अरब सागर के कुछ हिस्सों, दक्षिण पूर्व अरब सागर के कुछ और क्षेत्रों, मालदीव और कोमोरिन क्षेत्र, दक्षिण और पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी और बंगाल की पूर्वोत्तर खाड़ी के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून की झलक देखने को मिलेगी। इसी बीच दिल्ली में 18 साल में मई में मंगलवार को सबसे ज्यादा ठंडा दिन रहा। बर्फबारी के कारण चारधाम यात्रा भी रद्द करनी पड़ी। उत्तरी भारत की बात करें तो असम, मेघालय, मणिपुर, शिलांग, नागालैंड में बारिश बर्फबारी का दौर जारी रहेगा, जबकि केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु सहित मुंबई के कुछ हिस्सों में बर्फबारी देखने को मिलेगी। केरल, कर्नाटक में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त बना हुआ है। मुंबई के कुछ हिस्सों में आज बादल छाए रहेंगे। मध्य भारत की बात करें तो राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, नई दिल्ली सहित मध्य प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहे हैं। स्काईमेट वेदर के मुताबिक पूर्वोत्तर अरब सागर, गुजरात के उत्तरी भागों, दक्षिण पश्चिम और बंगाल की खाड़ी के ऊपर तेज हवाएं चलने की संभावना है। इन इलाकों में हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रह सकती है। उधर केरल, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। ये जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। हम आपको हर दिन ताज़ा अपडेट से रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहें UMB न्यूज़।